मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में रोड निर्माण नहीं होने से आज भी ग्रामीणों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत भिलाई अंतर्गत आने वाले ग्राम खारी में देखने को मिला, जहां ग्रामीण आज भी कीचड़ से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल आने जाने में बच्चों को भी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में कीचड़ इतना ज्यादा हो जाता है कि परिवारजनों को बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाना पड़ता है। जिस दिन परिवारजन बाहर चले जाएं, उस दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी तक करनी पड़ती है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि यहां रोड के साथ मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। 50 से 60 घरों की बस्ती होने के बाद भी यहां शौचालय निर्माण नहीं किया गया है। अधिकांश ग्रामीण शौच के लिए बाहर जंगलों में ही जा रहे हैं। ये रोड कहां पड़ जाता है भैया? और दड़ मोहल्ला सिराली में जाता है। अच्छा, हाँ। तो बारिश में ऐसा ही मच जाता है? अरे भैया, ये तो बहुत से बहुत ज्यादा हालत खराब रहती है इसकी। स्कूल के बाल बच्चे भी आते इसमें, लेकिन इतना ज्यादा कीचड़ हो जाता है कि घुटन घुटन यहाँ निकल नहीं सकते कोई भी। तो इसके लिए कहीं आवेदन वगैरह? अरे भैया, 50 बार दे दिया होगा लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये भिलाई पंचायत में आता है, सरपंच सेक्रेटरी जो भी था उनको सबको दिया, लेकिन कोई निर्माण नहीं हुआ। मतलब आज तक नहीं हुआ? कब से चल रही है दिक्कत आपकी? अरे भैया, ये तो कम से कम 6-7-8 साल हो गए कम से कम करीबन में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सीएम साहब को 10 साल होगा इस क्षेत्र में रहते रहते, आज तक कोई कोई हुआ? कोई कुछ भी नहीं हुआ भैया, आज तक नहीं हुआ। और कई बार लिख के दे दिया होगा। स्कूल का बाल बच्चे है और बुजुर्ग मरीज सभी, मतलब पेशेंट यहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर पड़ता है, बिल्कुल कीचड़ का रास्ता। देखा जाए तो प्रशासन का इस ग्राम की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते आज भी ग्रामीण अनेकों मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। संज्ञान में आया है, मैंने सचिव से भी बात की है, मुख्यमंत्री को भेज के दिखाते हैं क्या हो सकता है, अच्छा हाल मुझे मिल रहा है। मतलब लगता है अपने को इसमें रोड निर्माण या बजरीकरण वगैरह हो सकता है? आपने जिस तरह का वो दिखाया है, निश्चित रूप से उसमें हम रोड निर्माण कराए। बजरीकरण का प्रावधान हमारे यहाँ से होता नहीं है, रोड निर्माण उसमें कराए। रुधनी से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।